आज सुनवाई करके फैसला करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 10 जनवरी को फैसला सुरक्षित रखा था। आज इस मामले में फैसला सुरक्षित रखने के बाद सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक के मामले में सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा अपना फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने 10 जनवरी को ही अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और एक कमेटी भी गठित कर दी थी इस पूरे मामले में जांच के लिए। ना पंजाब सरकार ना ही केंद्र सरकार की जांच समिति को उन्होंने आगे कैरी फॉरवर्ड किया था, बल्कि कहा था अब हमारी जांच समिति इस पूरे मामले को देखेगी, यानी कि जिसने पंजाब के भी जो अधिकारी हैं उनका इसमें रोल, केंद्र सरकार के भी और हाई और कोर्ट के जो रिटायर्ड जज हैं उनका इसमें रोल अहम था। तो इसी के चलते आज जो फैसला है वो सुनाएगा सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में। इस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में फैसला सुनाया जाएगा। पीएम की सुरक्षा के चूक के मामले में 10 जनवरी को रखा गया था फैसला सुरक्षित। अवैध उस्मानी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। अवैध, आज फैसले की घड़ी इस पूरे मामले में क्या तैयारी अभी यहाँ पर होती दिखी आपको? जी बिल्कुल, जिस तरह से 5 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी की पंजाब में फिरोजपुर में सुरक्षा में चूक हुई थी, उसको लेके सुप्रीम कोर्ट ने 10 जनवरी को अपना फैसला जो है वो सुरक्षित रख लिया था। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो इस मामले चंडीगढ़ के डीजी और हाईकोर्ट, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के जो रजिस्ट्रार जनरल है उनको शामिल करेगा, एनआईए के आईजी को शामिल करेगा और आईजी के अधिकारी शामिल होंगे। मामला सिर्फ यहाँ पे अटका था कि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जो है वो इस मामले में सुनवाई इस समिति की जो है वो अध्यक्षता करनी थी। ऐसे में अब आज ये साफ हो जाएगा कि वो सुप्रीम कोर्ट का कौन सा पूर्व जज है जो इस मामले में जो जांच होगी उसकी निगरानी करेगा और अध्यक्षता करेगा। जब मामले की सुनवाई हो रही थी इस दौरान केंद्र सरकार ने कहा था कि ये बेहद गंभीर मामला है, ऐसे में केंद्रीय जांच एजेंसी को इसको जांच करने देना चाहिए क्योंकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। तो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी किया था कि आप ऐसा मत दर्शाइए कि ऐसा लगे कि सुप्रीम कोर्ट जो है उस मामले में गंभीर नहीं है, हम भी प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जिस तरह से चूक हुई उसको लेकर बेहद गंभीर है और हम इस मामले में अपनी एक जांच समिति बनाएंगे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार द्वारा जो जांच कमेटी बनाई गई है उसके ऊपर रोक लगा दी और केंद्र सरकार की तरफ से जो कमेटी बनाई गई थी उसके ऊपर रोक लगा दी थी। पंजाब सरकार ने ये भी एलिगेशन लगाया था केंद्र के ऊपर कि सुप्रीम कोर्ट ने जब सोमवार को सुनवाई हुई थी इससे पहले तो ये कहा था कि दोनों कमेटियां जो है वो अपनी जांच के ऊपर फिलहाल रोक लगा दें सोमवार तक के लिए, यानी 10 जनवरी तक। उसके बावजूद भी पंजाब सरकार के अधिकारियों को नोटिस जो है वो लगातार भेजे गए और 24 घंटे में जवाब मांगा गया। उसके ऊपर पंजाब सरकार ने कहा था कि ये सही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी हमारे अधिकारी को परेशान किया जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि केंद्र सरकार ये मान चुकी है कि पंजाब सरकार और पंजाब सरकार के अधिकारी दोषी हैं। तब सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर भी सवाल पूछा था केंद्र सरकार से और कहा था कि आपने अगर मान ही लिया है कि ये आपको क्या करना है, आप जिस तरह से कदम उठा रहे हैं उससे दिख रहा है कि आप क्या करना चाह रहे हैं, तो फिर केंद्र जांच की जो थी क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले जांच ही नहीं बनाएगा। तब केंद्र सरकार ने कहा था कि हम सिर्फ ये जांच कर रहे हैं कि सुरक्षा में चूक जो है वो और रूट जो है ये आंतरिक रूट पर मामले में यानी एसपीजी के ऊपर हम जांच पड़ताल कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था नहीं, इस मामले में अपनी एक जांच कमेटी बनाएंगे। फिलहाल आज सुप्रीम कोर्ट 10:30 बजे अपना एक आदेश जो है वो सुनाएगा, उसमें साफ हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट के कौन से रिटायर्ड जज है इस कमेटी की अध्यक्षता करेंगे और कौन कौन से। बहुत बहुत शुक्रिया अवैध तमाम जानकारियों के लिए आपका फिलहाल। और अगली बड़ी खबर आपको